वो बार बार तुम्हारी उंगली कर रहा, बादल भाई क्या कर रहा था? मैं बोला भाई मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, तो वो भी मैं ये बोलने वाला था, फिर मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सडनली वो गुरुजी के चले, मैं बोलना तो खैर बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो मैसेज गलत चला जाएगा। नहीं, नहीं, मैं समझता हूं। आप अपना काम ठीक कर रहे हो। जब इंडियन हल्क बादल राहुल फिटनेस के पास पहुंच गया कि तुमने तरुण गिल के इंटरव्यू में मेरे विषय में क्या बोला, तो इसके विषय में क्या राहुल फिटनेस क्लेरिफिकेशन दे रहा है, इसका कंप्लीट वीडियो लेके आ चुके हैं। और उस वीडियो में, जिस वीडियो में तरुण गिल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और इंडियन हल्क के वीडियो में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दोस्तों हम इन दोनों वीडियो को कंटिन्यू आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप भी पूरी तरह से क्लियर कर सके राहुल फिटनेस इंडियन हल्क के वीडियो में और तरुण गिल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें वो क्या बोलना चाहते थे। और आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। चूरण गिल क्या बोल रहा था आपको? भाई वो फोन आया था, मैंने गुरुजी ने मना कराया, बोला कोई अभी गेम पे फोकस कर, अभी कोई नहीं। वो ठीक है, वो बात कैसे कर रहा था? यार तू करके बात कर रहा, मुझे अच्छा क्या बोला कि तेरा इंटरव्यू लेना है? बोला यार तेरा इंटरव्यू लेना, तू पास में रहता है, तुमने बोल के बात कर रहा है। अगर दोबारा मैसेज आता तो मैं शायद बोलता, लेकिन फिर दोबारा फोन नहीं आया। लेकिन एथलीट की रिस्पेक्ट एक्चुअली जो होती है ना, वहाँ से पता लगती है। वो तो क्यों आपकी जब आपसे बात करते हैं ना तो लोग, आप मेरे भाई हो, मेरे से छोटे हो, ठीक है, आप मेरे भाई हो, हमारे तो आप ऐसा रिश्ता है जैसे कच्चे का नाड़े का होता है कि बगैर कच्चे के नाड़ा नहीं रह सकता, बगैर नाड़े के कच्चा नहीं रह सकता, है कि नहीं? हम तोता करके बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता। भाई आप मेरे दोस्त नहीं हो ना, वो मेरे दोस्त थोड़ी है, जो मेरे दोस्त हो राइट, हम उसकी तोड़ के गाजे बात बुला सकते हैं। ये बार बार डायलॉग बंद मारा करो, तुम तरुण गिल की तरह मैगी खा के, मुझे मालूम है तुमने मैगी खा के बॉडी बनाई है। ये वीडियो उस टाइम का जब रामनिवास मलिक मिस्टर इंडिया का कंपटीशन जीतने के बाद मुकेश सिंह गहलोत के पास उनके जिम में मिलने आते हैं और उस समय राहुल फिटनेस और इंडियन हल्क के बीच में क्या बातचीत होती है। इंडियन हल्क पूछते भी कि राहुल भाई, जब तरुण गिल आपसे इंटरव्यू के लिए पूछ रहे थे तो आपने तरुण गिल को क्या रिप्लाई किया है, और यहाँ पर राहुल फिटनेस ने क्या बोला, आपने यहाँ पर डिटेल पूर्वक सुना है। दोस्तों इस वीडियो को आज मॉर्निंग टाइम में इंडियन हल्क ने अपने यूट्यूब चैनल में डाला था, जिसको हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कुछ क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ पर धीरे धीरे होते जाए। इंडियन हल्क ने इस वीडियो को इसलिए डाला था क्योंकि जो राहुल फिटनेस है उन्होंने तरुण गिल को इंटरव्यू दिया था और कुछ उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें इंडियन हल्क बादल से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोला था। अब दोस्तों राहुल फिटनेस ने इस वीडियो के बाद 1 से 2 घंटे के बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में कौन सा वीडियो डाला और इंडियन हल्क और राहुल फिटनेस के बीच में क्या बातचीत हुई थी, हमने उसकी भी कुछ क्लिप लेके आए जिसमें नो एडिटिंग एंड नो कटिंग है, जिसको दोस्तों आप लोग आराम से पूरा सुन लीजिए। एंड यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप राहुल फिटनेस के चैनल में और इंडियन हल्क बादल के चैनल में जाके कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और आप हमारी भी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, फिर आप लोग खुद ही सोचिए क्या मैं कोई कंट्रोवर्सी करवाना चाहता हूँ या फिर मैं केवल आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि इंडियन हल्क यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राहुल भाई क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अब उस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें इंडियन हल्क राहुल फिटनेस के पास जाके पूछे कि तुमने तरुण गिल को इंटरव्यू में मेरे विषय में क्या बोला है, क्या वहाँ पर राहुल फिटनेस कुछ क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं या फिर वो वही बातें कह रहे हैं जो उन्होंने तरुण गिल के इंटरव्यू में कहा था। वो बार बार तुम्हारी उंगली कर रहा, बादल भाई क्या कर रहा था? मैं बोला भाई मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, तो वो भी मैं ये बोलने वाला था, फिर मेरे साथ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं ये बोलूंगा तू मेरे को भी कम नहीं है भाई, वो भी कम नहीं है। और भाई तुम बोलते हो ये जाएगा यूट्यूब पे भी। हाँ, मैंने बोला, मैं बोलना चाहता था कि भाई तुम भी बड़े बच्चों हो, तो भाई तुम किसी को मौका दोगे तो पकड़ेगा ही। बट इससे मेरे को गुस्सा इस बात का है कि इसको अगर कुछ बोलना है मेरे को बोल दे, ये दूसरे के यूट्यूब चैनल पे जाके बोल दे रहा है मेरे को इस बात का। मैं अब तुम जानते हो बादल भाई साफ दिल का आदमी है, तो मैंने कहा इसने यूट्यूब पे बोला है। हाँ, दिल का तो यूट्यूब पे ही बोलूंगा मैं भी, मैं इसके सामने जाके नहीं बोलूंगा, मैं भी यूट्यूब पे ही बोलूंगा। और बकायदा जब वीडियो बनाई थी इसको मैसेज किया था कि भाई ये वीडियो बना रात हो रहा हूँ मैंने, ठीक है। इसने बोला भाई ठीक है डाल दो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, उसके बाद लव यू भी लिखा था एक दूसरे को। हमारे पाप थोड़ी है, बट अंदर से ये डर रहा होगा कि भाई बादल भाई ने क्या जहर उगला होगा, बाद में बोल दो रहा था भाई कितना जहर है, मैंने कहा सारा जहर निकाल दिया भाई आज। Kind your information guys, देखो यहाँ पे आप लोगों को जितना फेम खाना था खा लिया आप लोगों ने, जितनी कंट्रोवर्सी करवानी थी करवा ली, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे कच्चे का नाड़े का होता है कि बगैर कच्चे के नाड़ा नहीं टिक सकता, बगैर नाड़े के कच्चा नहीं। भाई एक ही गुरु के चेले हैं और हमारे गुरु जी ने सिखाया लड़ना नहीं है। हमारी पहले भी सुलह थी, ये भी सुलह हो गई। एक्चुअली मैं
ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन भी दे सकता था। गलती तो की है भाई ने, नो डाउट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। भाई ने गलती की है कि मुंह से निकल गया उसके, दिल में कुछ नहीं है उसके। मैंने आज सुबह गुरुजी को भी बोला था, मैं कहा उसको मालूम है मेरे को, उसके दिल में नहीं था, लेकिन वो क्या है, बोला कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और गया। उसको ये पता लगा कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। लोग तो मीनिंग कुछ और ही निकाल लेते हैं भाई, बीच की बात काट देंगे, आगे का निकाल देंगे। भाई अंडरस्टैंडिंग थी भाई से, मेरी बात पहले ही हो गई थी। अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी, फिर से वही बात बोल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, क्रिएट कर दी थी लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनो, हम दोनों एक दूसरे के भाई बहुत करीब है, दोस्त भाई। देखो मैं तरुण भाई के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये भाई साहब है तो इनके सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। तरुण भाई, आपसे मेरे को कोई गिला सिकवा नहीं है, बट वो चीजें मत किया करो जो हमारी इंडस्ट्री में नाम खराब करे। ये रिक्वेस्ट है आपसे, पहले भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी, अभी फिर से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाई, मैं अकेला नहीं था जिसने आपको वायरल किया। अरे सब बना रहे हैं यार, एक दूसरे यूट्यूबर है, एक दूसरे का टॉपिक निकालते हैं, दूसरे की उसकी लड़ाई हो गई, इसने ये बोला। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो हमें किसी से भी कोई गिला सिकवा नहीं है, हम एथलीट है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में कि जो हमें कवर करने पड़ते हैं, कई बार कॉन्ट्रोवर्सी भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे खड़कते भी है। और रही बात तरुण भाई की, तो तरुण भाई से हमें कोई गिला नहीं, कोई किसी कुछ भी करे, हमें यार दुनिया वीडियो बना रही है भाई। अगर हम किसी इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमें बुरा लगता, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैंने भी बोला है, मैंने उसको बोला भाई को वीडियो में, अभी वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, तो आप अच्छा कर रहे हो तो हम, आप अच्छा करोगे तो हम क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। वो चीज मेरे को वहाँ बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बोली नहीं। और हम आपको इन्वाइट करते यार, आप 10 बार आओ, इंटरव्यू लो, सब कुछ करो, सारी चीजें, लेकिन जो चीजें हुई है वो चीज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा तुमसे। बिल्कुल, वो चीजें जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, उसके लिए वक्त नहीं जाएगा। मुजरिम चाहे 50 साल हो जाए, उसको सजा जरूर मिलती है, सवाल जवाब जरूर होंगे। आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया, राहुल फिटनेस और इंडियन हेल्थ के बीच में जो आज मॉर्निंग टाइम में राहुल फिटनेस ने अपडेट दी अपने यूट्यूब चैनल में, इनके बीच में क्या बातचीत हुई, राहुल फिटनेस क्या कहना चाहते थे। अब दोस्तों हम इसी वीडियो से रिलेटिव, जो ये वीडियो बनने का जो मेन रीजन था, इसके पहले वाली जो इसकी जड़ है, हम उसके विषय में बात कर लेते हैं, मतलब कि राहुल फिटनेस और तरुण गिल के बीच की बात। जब तरुण गिल ने एक कॉम्पिटिशन के समय में राहुल फिटनेस का इंटरव्यू लिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों हम उसका कम्प्लीट वीडियो लेके आ चुके हैं, जिससे कि आप यहाँ पर डिटेल पूर्वक इस वीडियो को देख सके। और राहुल फिटनेस के इंडियन हेल्थ के साथ में और तरुण गिल के साथ में उन्होंने क्या बातचीत की है, आपको हर चीज एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो या लगे कि मैंने वीडियो में एडिटिंग या फिर कटिंग करके कुछ मसाला बनाने की कोशिश की है, तो आप जाइए तरुण गिल के उस वीडियो में देखें जिसमें उन्होंने राहुल फिटनेस का इंटरव्यू लिया था। आज से 4 से 5 दिन पहले उन्होंने कोई ये वीडियो डाला है, तो आप वहाँ पर भी जाकर क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं मेरे वीडियो में और तरुण गिल के वीडियो में, क्या मैंने कोई भी एडिटिंग या कटिंग करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को सटीक जानकारी यहाँ पर मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। यार बादल भाई को मैं जानता नहीं हूँ, मैंने बादल उपरेती नाम है उनका, पता नहीं मेरे बारे में वीडियो बनाते रहते हैं यार, कोई प्रॉब्लम है उनको मेरे से, प्रॉब्लम है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ यार। देखो मैं सडनली वो गुरु जी के चले में बोलना तो खैर बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो मैसेज गलत चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ आप अपना काम ठीक कर रहे हो, हम जो भी करते हैं ना, जो हमको पसंद है वो करते हैं। अगर बादल भाई देख रहे हैं थ्रू राहुल भाई, भाई अगर आपको मेरे करने का तरीका अच्छा लगता है तो भाई सॉरी है, हम एक इंडस्ट्री में सारे मिलजुल के रहे हैं, राइट। हम किसी को भी जज करने वाले हम कौन होते हैं, हमारा अपना माइंड है, हम अपने माइंड से काम करते हैं। जैसे भी आपको पता है कि कैसे ग्रो होनी है इंडस्ट्री, ऐसे मेरे को पता है। अब हम किसी का क्रेडिट खा के हम ऊपर जाने की सोचे तो वो भी बुरा है, तो गालियाँ उल्टी उनको ही पड़ती है जो दूसरे की बुराई करते हैं। वो बोलेगा जब भाई किसकी बुराई कर रहा है तो कल को मेरी भी कर सकता है ना। जैसे मेरा स्टूडेंट कोई टीचर मेरे पास आता, कोई बच्चा आता है कि जी वो तो बहुत बुरा था, हमारे पैसे काटता था, मैंने कहा कल को मेरे को भी बोलेगा। तो ये सबके ऊपर लागू होता है, जो आपकी बुराई कर रहा है वो मेरी भी कर सकता है ना। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। मैं ना राहुल पे एक ही बात बोलूँगा यार, डेली प्रो शो आने वाला है, सबकी नज़र राहुल पे है, हम सबकी नज़र राहुल पे है। एक सवाल करूँ सबसे, करता हूँ, मैगी खाते हो? मैगी खाता हूँ। मैगी तो देखो सभी खाते हैं, आपको भूख लग रही है तो बंदा इंस्टेंट बनती है ना 2-4 मिनट में, और ये पहाड़ में भी यही मिलती है और कुछ मिलेगा नहीं, और पेट भर जाता है आपका और नुकसान भी नहीं करती चीज़ें, है ना। देखो मैगी सब खाते हैं, हाँ सब खाते हैं, लेकिन तरुण भाई ने बोल दिया तो गलत हो गया वो। मतलब अगर कोई और बोलता तो गलत नहीं था, लेकिन आपने बोला तो गलत हो गया। वो कंट्रोवर्सी करनी है लोगों को आपको लेके, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते,
अब अपना मस्त होके काम करो, हाथी चले बाजार और कुत्ते। मैं यार प्यार बहुत है राहुल से मुझे, तो राहुल को स्पेशली मैं कंग्रेचुलेट करूँगा कि मैं चाहता हूँ तुम हर शो में जाओ एज अ जज, हर शो में तुम हाईलाइट बनो, हर शो में तुम कमाल दिखाओ। मेरे को इसी चीज़ की खुशी है कि अब मैं लोगों की नज़रों में आया हूँ तो भैया ने मुझे बुलाया, वो पूरी इंडिया देखेगी दोबारा डेली प्रो शो में, उससे भी अच्छी, उससे भी अच्छी। और मैं मुकेश भाई को भी, मुकेश जी को, मुकेश गुरु जी को भी कंग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा। और मैंने जितने भी वीडियोस करे हैं राहुल के ज़रिए, मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैंने फेक गुरु जी के बारे में बोला है, कभी मेरी इंटेंशन गुरु जी को लेके नहीं थी, क्योंकि सारे कभी आपने देखा कभी बड़े गुरु जी ना छोटे कभी भी आपको डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पता है उनको सब पता है, लोग कुछ भी बैठ के बात कर रहे हैं आपके बारे में, जब बातें करेगा तो बंदा कुछ तो मतलब मुंह से निकलवाना चाहते हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग, लेकिन गुरुजी बहुत शांत स्वभाव के, उनको कोई मतलब नहीं है, वो मस्त रहते हैं। तो वो वीडियो मेरे बारे में नहीं था। नहीं, वो आपके बारे में नहीं था, मैं बताऊंगा आपको।